प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र लेके आ चुके हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का। तो चलिए पूरा आपको देख लेना है, क्योंकि 20 नंबर का आपका पूरा का पूरा पूर्णांक दिया गया है और 20 ही आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। तो आज इन्हीं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और शुरुआत करेंगे पहले नंबर प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण में। उपचयन के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो अम्लता शब्द है। तो तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? NaCl है, श्वसन की प्रक्रिया है। तो चौथा प्रश्न नोट करेंगे, इसमें बा आपको कर लेने, एक उपचयन ध्यान देंगे, एक अपचयन अभिक्रिया जो उष्मा क्षेपी हो श्वसन, जो कि आपकी श्वसन की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, या श्वसन की प्रक्रिया कहलाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपचन की दवा है? अपचन की जो दवा है वो आंसर करना है पांचवें में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आ नंबर कर लेंगे। छठा प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब दूध दही में बदलता है तो पीएच मान क्या होगा? ठीक है, तो छठे प्रश्न का आपको ब नंबर कर लेना, यानी ये जो पीएच मान होगा वो 6 से कम हो जाता है, ठीक है। सातवां प्रश्न आप जो देख रहे हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कि डेमोफिल के पौधे में 6.0 से लेकर के 6.5 पीएच मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप से विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 4.5 है तो डेमोफिल को उगाने के लिए किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना होगा? तो हम वहाँ पर जो है तो ध्यान रखेंगे किस पदार्थ को मिलाएंगे, आपके लवण की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि लवण में जो तो पीएच मान अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है? तो आठवें प्रश्न का आंसर कर लेना है आपका सोडियम कार्बोनेट है। यौगिक COCl2 का सामान्य नाम बताइए, COCl2 का सामान्य नाम आपको बताना है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, क्या बताएंगे? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 केल्विन तापमान पर हम गर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधे व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 ITJEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा के पाचन में मदद करता है, यानी मंड के पाचन में जो मदद करता है। 12वें प्रश्न का आंसर कर लेना है, लार एमाइलेज होता था नंबर। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता था स्फिग्नोमैग्नोमीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया में विघटित हो जाता है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो बाया आलिंद है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करेगा। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी को क्या लेने से ठीक हो सकती है? तो बेकिंग सोडा लेने से आपकी बेचैनी ठीक हो सकती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक से इलाज किससे किया जा सकता है? जो मधुमक्खियां होती है डंक मारने पर हम सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बिलियन का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नहीं, ठीक है, इसलिए इसका आपको राइट आंसर सिरका कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो 18वें प्रश्न का आपको आंसर कर लेना है द नंबर, यानी जिप्सम करेंगे। उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? जो हमारा उदर होता है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl। कौन सा अम्ल होता है हमारे आंतों में यानी पेटों में आमाशय में? उदर को बोलते हैं हम लोग आमाशय, तो वहाँ पर HCl अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? तो ये साबुन की तरह होते हैं,
ठीक है, ये साबुन की तरह होते ये वाला गुण नहीं पाया जाता। इस तरह से आज का जो आपका दिया गया था यहाँ पर ध्यान देंगे प्रथम परीक्षा का जो टेस्ट था वो समाप्त होता है। इससे पहले हमने हिंदी इंग्लिश मैथ और आपके सोशल साइंस के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी प्रथम परीक्षा का सारे के सारे प्रश्न यहां पर और सारे के सारे पेपर आपको हमारे क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, क्लास टेंथ के सभी परख टेस्ट पेपर आपको यहीं पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।